जिसमें उनको ज्यादातर निराशा की हाथ लगी है। साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि श्री एससी मिश्र ने पूरे प्रदेश में अपने हर कार्यक्रम के दौरान पार्टी की सरकार बनने पर विशेषकर ब्राह्मण समाज के हित एवं कल्याण को लेकर जो कुछ सीखा है तो उस पर आप लोगों को जरूर विश्वास करना चाहिए। ब्राह्मण समाज के लोगों को भी ये वायदा करती हूँ, यूपी में इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर अन्य सभी समाज के लोगों के साथ साथ ब्राह्मण समाज की भी सुरक्षा सम्मान व तरक्की आदि का इनका पूरा ध्यान रखा जाएगा तथा इनको किसी भी मामले में निराश नहीं होने दिया जाएगा, बल्कि इनके साथ व अन्य समाज के लोगों के साथ भी संकीर्ण मानसिकता व जातिगत एवं राजनीतिक द्वेष की भावना से जो भी गलत कार्यवाही की गई है तो फिर बीएसपी की सरकार बनने पर उन सभी मामलों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। जांच में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा पीड़ितों को न्याय एवं के आर्थिक रूप से नुकसान की भी भरपाई की जाएगी, जिसके लिए अपने लोगों को भी यहाँ आगामी विधानसभा चुनाव में सन 2007 की तरह ही बीएसपी से उन्हें हर स्तर पर पूरी ईमानदारी और निष्ठा से खुलकर जुड़ना होगा और इसके लिए श्री एससी मिश्र ने भी पार्टी के हर कार्यक्रम में विशेषकर अपने ब्राह्मण समाज को बीएसपी से जोड़ने का हर संभव पूरा पूरा प्रयास किया है, जिसमें उनकी बहुत सफलता भी दिखाई दे रही है और अब दूसरे चरण के तहत पार्टी के मंडल व विधानसभा स्तर पर बनाए गए सभी पदाधिकारियों को शहरों व गाँवों आदि में जाकर अपने ग्रामीण समाज को युद्ध स्तर पर बीएसपी में जोड़ना है। अर्थात अपने भी हर स्तर पर पार्टी को सहयोग देकर फिर से सन 2007 की तरह ही बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना है। इसके साथ ही अपनी को दूसरे चरण के तहत प्रत्येक विधानसभा के शहरों कस्बों व गांवों आदि में जाकर पहले अपने विशेषकर ब्राह्मण समाज के कम से कम 1000 सक्रिय कार्यकर्ता तैयार करना है प्रत्येक विधानसभा में तथा इन्हें बीएसपी का सदस्य भी जरूर बनाना है, साथ ही इनकी सूची भी तैयार करनी है और सबसे पहले इनको रिजर्व सीटों पर ये कार्य करना है, उसके बाद फिर इनको सामान्य सीटों में भी ये कार्य करना है जिनका फिर बंद जगह पर श्री एससी मिश्र व ग्रामीण समाज के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा भी कैप्टन दिया जाएगा ताकि फिर वे अपने अपने विधानसभा में विशेषकर अपने ब्राह्मण समाज को बीएसपी से सही से जोड़ सके। इसके साथ साथ पहले चरण के तहत शहरों में प्रबुद्ध वर्ग की महिलाओं को भी तैयार किया जाएगा जिनकी जिम्मेवारी हमने श्री एससी मिश्र की पत्नी श्रीमती कल्पना मिश्रा को सौंपी है। इसी प्रकार पूरे प्रदेश में पहले चरण के तहत खासकर रिजर्व सीटों को तैयार कर रहे पदाधिकारियों को भी ओबीसी व मुस्लिम समाज एवं क्षत्रिय समाज के लोगों को भी पूरे जी जान से उन्हें जोड़ने के लिए जाना है क्योंकि अब चुनाव का समय बहुत कम रह गया और अब मैं इस मौके पर मीडिया वर्गों को भी अपनी पार्टी के संबंध में ये भी कहना जरूरी समझती हूँ कि बीएसपी सर्वजनता है की सोच, की अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसकी कभी भी
benar-benar naik bukan. Bukti dia sendiri, bukti dia, fokus perhubungi matahari registrasi amun di bukti. Jadi dia sendiri khas, lagi itu belajar dia. Oh isya khabar, yang untuk berdiri, amni-amni cabar, dari sekali, cabar dari sekali, jalan berikutnya. Oleh seorang hamil sembuh jadi berdasar teknologi suraksa saman atau terkiatika atau kiatika pura-pura jangan ini sembuh tadi teknologi iswat teknologi negara usahun berjemaah ke dalam ini bahagia-bahagia ini sembuh dia teknologi patioko tapi cinti dan beji juga berjalan. इसके साथ ही अपने आदर्श से भरपूर अपने लोग इस पर को गुमराह करने के लिए रोजाना नए नए हथकंडे व षड्यंत्र आदि इस्तेमाल करने में लगे हैं किंतु प्रभुत्व वर्ग व इनके लिए विशेषकर ब्राह्मण समाज के लोग अब सत्ता परिवर्तन के लिए यानी कि फिर से यहाँ बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सत्ता बनाने के लिए जिसे रोकना अब किसी के लिए भी संभव नहीं लगता है चाहे वो पार्टियां बीएसपी की कितने भी नकल क्यों ना कर ले और अंबेडकर के चरण के इस कार्यक्रम के समापन पर तथा दूसरे चरण के कार्यक्रम की शुरुआत करने के मौके पर मीडिया के जरिए प्रदेश के सभी वर्गों व धर्मों के लोगों से यही अपील करती हूँ कि वे अपने परिवार के हित एवं कल्याण के लिए तथा उनके जान माल व ईमान की सुरक्षा एवं मान सम्मान आदि के साथ साथ बेहतर भविष्य के लिए भी दलित समाज के कल्याण व उससे प्रेरणा लेकर पूरे तन मन से बीएसपी से जरूर जुड़े बोले दलित समाज माननीय श्री कांतिलाल जी को अपना खास आदर्श मानकर विरोधी पार्टियों के किसी भी प्रलोभन व बहकावे आदि में कभी भी भटके बिना तथा उनके सभी साम नाम धर्म के आदि हथकंडों का भी काफी डटकर सामना करते हुए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एकमात्र अनुयायी पार्टी व उनके मजबूत नेतृत्व के साथ हमेशा एक चट्टान की तरह खड़े रहे जो यह हमारी पार्टी के लिए काफी गर्व की बात है। इसके साथ ही मेरा प्रभात समाज में से विशेषकर ब्राह्मण समाज के लोगों से भी ये वायदा है कि प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ दलितों आदिवासियों पिछड़ों मुस्लिम में अन्य अभ्यर्थियों आदि की तरह इनके भी हित में कल्याण मान सम्मान ईमान सुरक्षा एवं रोटी रोटी आदि का भी पूरा पूरा ध्यान जरूर रखा है। इसके अलावा आज इस मौके पर यहाँ मैं किसानों के समर्थ में भी मीडिया को भी अवगत कराना चाहती हूँ कि बीएसपी ने चुनाव के पहले वोट लेने के लिए बीजेपी ने मैं इसके अलावा यहाँ मैं इस मौके पर किसानों के समर्थ में मीडिया वालों को ये भी अवगत कराना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले वोट लेने के लिए किसानों की आमदनी दोगुना करने का वायदा किया है। वह तो नहीं किया बल्कि उनके ऊपर तीन काले कानून लाकर उन्हें उनकी जमीन से भी वंचित करने का काम किया है। आज लगभग एक वर्ष से पूरे देश का किसान आंदोलित है। बहुजन समाज पार्टी भी संसद से लेकर बाहर भी उनके इस आंदोलन के साथ खड़ी है और इस आंदोलन के दौरान करीब 500 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हो गई है। बिल्कुल सरकार को भी कोई लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बल्कि अभी हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा
आदेश दिया गया कि आंदोलन का प्रोफेसर नाटी से हो, जिसके बाद वहां के डीएम ने किसानों के सर पर लाठियां बरसाई, जिससे किसान की मृत्यु हो गई और फिर वहां के सीएम ने इस कार्यों को सही कराया। इतना ही नहीं बल्कि बीजेपी ने तो सिर्फ झूठा वायदा किया था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन हमने तो ऐसा करके दिखाया है, अर्थात अपनी हुकूमत में किसानों की आय दो गुना करके दिखाई। और इस मामले में किसानों को ये मालूम है, उत्तर प्रदेश के किसानों को ये मालूम है कि सन 2007 के किसानों को गन्ने का मूल्य सिर्फ 135 रुपए प्रति क्विंटल मिलता है, गवर्नमेंट बनने से पहले पहले हमने उसे हर साल बढ़ाया। जब मेरी गवर्नमेंट बनी तो हमने उसे हर साल बढ़ाया और जब हमने सरकार छोड़ी थी तो तब उसका मूल्य दो गुना हो चुका था, अर्थात हमने उसे 250 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया था। इसके विपरीत सन 2012 से सन 2017 के दौरान जबकि सपा की सरकार थी तो पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में केवल एक बार मामूली सी बढ़ोतरी की गई थी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो उसने तो सन 2017 से 2021 से 21 के बीच में यानी कि अपने लगभग पूरे 5 साल में एक भी रुपया नहीं बढ़ाया है, जबकि झूठे वायदे करके इस पार्टी ने किसानों का वोट लेते वक्त ये कहा था कि हम किसानों की आमदनी दो गुना बढ़ा देंगे। इसके साथ ही आपने फिर से किसानों को ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि यूपी में बीएसपी की सरकार बनने पर किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम दिया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा किसानों पर जबरन खोले गए 3 कृषि कानूनों को हम कहते ही ना को नए उसके साथ ही मैंने दिनांक 20 जुलाई 2021 को वित्त विहीन प्रबंधक एवं शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल से मिलने पर वे उनकी सभी मांगों को सुनने के बाद साथ सोते ना रवैया क्यों अपना लिया, ये किस मुद्दे की बात है। इसके साथ ही मुसलमानों का वोट फिर इनको अपनी सरकार में तबाह और बर्बाद करने के मामले में सपा व कांग्रेस पार्टी भी कोई कम नहीं है। खासकर पश्चिमी यूपी का मेरठ मलियालम कांड व मुजफ्फरनगर कांड को यहाँ के मुस्लिम लोगों को जल्दी से भूलना नहीं चाहिए, यही मेरी उनसे खास अपील है। और इस मामले में वैसे ये बात की स्वीकृति है कि बीएसपी जो कहती है अपने खुद के बारे में भी ये बताना चाहती हूँ कि मैं 2 फरवरी 2021 से लगातार लखनऊ में स्थित हूँ, मौजूद हूँ और आए दिन में पार्टी के छोटी बड़ी बैठकें लगातार जहाँ ले रही हूँ। मीडिया आदि में भी मैं बीच बीच में जरूरत अनुसार अपनी पार्टी का स्टैंड रखती रही हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ खासकर कुछ जातिवादी मानसिकता वाला मीडिया मेरे बारे में अक्सर यही चर्चा करता रहता है कि बीएसपी प्रमुख अभी भारत को नहीं निकल रही है, जबकि वास्तव में इसका मुख्य कारण कोरोना नियमों की आड़ में भाजपा की सरकारी मशीन के द्वारा अपनी पार्टी के लोगों पर जान दूर संयंत्र के तहत की जाने वाली उनकी जबरदस्ती की कार्रवाई से उन्हें बचाना। जैसा कि पार्टी के किए गए प्रभुत्व वर्ग के कार्यक्रमों में हमें ऐसा काफी कुछ होते हुए देखने के लिए मिला है। इतना ही नहीं बल्कि पार्टी से जुड़े प्रभुत्व वर्ग के लोगों को बहुत कम संख्या में इन कार्यक्रमों में इन्हें आने दिया है, लेकिन वही दूसरी तरफ मेरे ऐसे कार्यक्रम में इनके लाभ रोकने के बावजूद भी पार्टी के लोग बड़ी संख्या में आने से डरे वाले हैं। और फिर
यही होता यदि मैं चली भी जाती हूँ फील्ड में, तो यही होता कि हमारी पार्टी के लोगों पर अब तक काफी भारी तादाद में FIR दर्ज हो जाती, और ऐसा हो जाने पर जो हमारी पार्टी के ये लोग खासकर चुनाव के समय में अपने अपने क्षेत्र के पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव जिताने की बजाय बल्कि वे ज्यादातर कोर्ट कचहरी घटनावादी के ही अपना समय बर्बाद करते रहते, जिससे खास ध्यान में रखकर ही फिर मजबूरी में उनके अपनी पार्टी की चुनावी तैयारी अपने लखनऊ पार्टी प्रदेश कार्यालय से तथा फिर अपने निवास स्थान पर बने पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से ही करनी पड़ने लगे। इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के विशेष आग्रह पर इस बार आप लोग पूरे प्रदेश से यहाँ लखनऊ आकर माननीय श्री कांची राम जी को अपने श्रद्धा नहीं करेंगे बल्कि पूरे प्रदेश से बड़ी संख्या में आकर आप लोगों को जहाँ माननीय श्री कांचीराम जी का स्मारक स्थल बनाकर वहाँ कर उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, और आप लोगों के साथ साथ फिर जयपुर भी उस दिन माननीय श्री कांचीराम जी के स्मारक स्थल पर पहुँचकर उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे तथा आप लोगों का भी आभार प्रकट करूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार आप लोग पूर्व की तरह अपने अपने मंडल में एक ही पुण्यतिथि का कार्यक्रम नहीं रखेंगे, बल्कि आप लोग प्रातः 8 बजे से ही लखनऊ के समारोह स्थल पर पहुंचकर इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। साथ ही आप लोग यहाँ अपने आने के दौरान जब आप लोग स्मारक स्थल पर पहुंचेंगे तो इसके साथ ही आप लोग यहाँ अपने आने के दौरान अपने खाने का भी खुद ही प्रबंध करके जाएंगे। इसके बाद अर्थात श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद फिर आप लोग अनुशासित तरीके से अपने अपने क्षेत्रों में वापिस चले जाएंगे। पार्टी के जिम्मेवार लोग इसके लिए उनकी पूरी मदद भी करेंगे, लेकिन लखनऊ में आते पर वापिस जाते समय भी पार्टी के लोगों को कोरोना नियमों का भी पालन करना बहुत जरूरी है। वैसे भी अब कुछ नहीं कहा जा सकता कि पूरी दुनिया में या अपने भारत देश में भी कब नई बीमारी आ जाए, लेकिन कुदरत से तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि अब कोरोना की तरह आगे कोई भी नई बीमारी अपने भारत देश में या दुनिया में ना लगाते हैं। तो वैसे भी किसी का कोई भरोसा नहीं कि अब कौन स्वस्थ व्यक्ति भी अचानक दुनिया से चला जाए, जैसा कि अभी हाल ही में एक युवा वह स्वास्थ्य के मामले में एकदम स्वस्थ फिल्म कलाकार का अचानक मौत के मुंह में चले जाना हमें देखने को मिला है। ऐसे हालातों में अब हमें कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए सरकारी नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, इसलिए 9 अक्टूबर को लखनऊ में पार्टी के लोग मास्क लगा कर ही आएंगे। जब आप लोग इधर लखनऊ आएंगे 9 अक्टूबर को तो कोई भी बिना मास्क लगाए हुए लखनऊ में स्मारक स्थल पर नहीं पहुंचेगा, आप लोग सब अपना मास्क लगाकर जरूर आएंगे। और इस संदर्भ में और भी जरूरी दिशा निर्देश देने के लिए मैंने प्रदेश के सभी मंडलों के पार्टी संगठन के केवल मुख्य सचिव प्रभारियों की जो पूरे मंडल को देख रहे हैं, जिलों को नहीं जो पूरे मंडल को देख रहे हैं उनके तथा सभी 75 जिला अध्यक्षों की भी कल प्रातः 11 बजे से यहाँ प्रदेश कार्यालय में अति जरूरी बैठक भी बुलाई है, जिसको मैं खुद ही लेने वाली हूँ। और अब मैं पहले चरण के तहत प्रदेश के लगभग सभी जिलों में प्रबुद्ध वर्ग के किए गए कार्यक्रमों का जो जबरदस्त सफल रहे हैं इसके पहले चरण का समापन करते हुए अपनी बात को यही विराम देती हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैं आप लोगों को फिर से ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में
Baneti, Santo Haja Asak Pitara, Memangku Prisma dalam acara itu, Kecil Pekar, Santo Haja Sakir Des Pekis Umum di Sekar Bani, Or Apne Apne Pure Kare Kare, Sab Jan Hitai, Apne Sekar Ke Har Niti, Sab Jan Hitai, Sab Jan Sutai Ke Adhar Per Benangkan, Jo Sab Semat Ke Hidup Ka, Har Star Per, Har Mamce Ke Pura Pura Dhan Rekha Hai, तो मैं आपको ये वायदा करती हूं विश्वास दिलाना चाहती हूं कि आप लोगों को जब आपकी ये सरकार फिर से बन जाएगी तो आप लोगों को सन 2007 के दौरान जैसे हमारी सरकार बनी जिस प्रकार से हमने आप लोगों के हितों का अकेले दलितों का नहीं पिछड़ों का नहीं अकेलों का नहीं बल्कि अपर कास्ट समाज के लोगों का और अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज के लोगों का भी क्योंकि उस चुनाव में इतना कष्ट करता है तो हमने हर समाज के लोगों का हर स्तर पर हर मामले में पूरा पूरा ध्यान रखा है और उत्तर प्रदेश को बेहतरीन कानून व्यवस्था दी है अभी हमारी महिलाएं इधर आई हुई है बड़ी तादाद में लेकिन वर्तमान सरकार में और पिछली सत्तर सरकार में भी आपको लोगों को देखने के लिए मिला है कि हमारी महिलाएं तीन छिपे के बाद वो अकेले अपने घर से आज भी वो नहीं निकल सकती है चाहे वो बीजेपी के लोग जो वर्तमान गवर्नमेंट है मुझे चाहे वो कितना भी नाटकबाजी क्यों ना कर ले वो भी मुझे ये मान मैंने एक चैनल देख रही थी हिंदी चैनल तो उसमें बीजेपी वाले भाभी जी को लेकर बोल रहे हैं तो वो औरतों में जाकर महिलाओं में जाकर पूछ रही है कि ये वर्तमान भाजपा सरकार ने महिलाओं के लिए क्या कर दिया वो प्रयासों के तरीके से वो महिलाएं चैलेंज कर लेती है उनसे फिर वो अपने पक्ष में सरकार को हवा बनाती है तो ये भी आप देख रहे हैं तो बिहार के तर्ज पर ये कभी हमें पता नहीं एक नहीं कितनी भाभियों को लेकर ये घूम ले अब महिलाएं इसके चक्कर में जरूर आगे बढ़ी है ये और इसके साथ ही मैं मीडिया प्रमुखों को और आप सभी लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मेरी खुद की रही चारों सरकारों मेरी खुद के रही चारों सरकारों में खास तौर से दलित आदिवासी एवं अन्य पिछड़े वर्ग में जो समय समय पर संत गुरु और महापुरुष हुए जिन्होंने इस देश में सामाजिक परिवर्तन के लिए अपनी जिंदगी पूरी जिंदगी समर्पित की अब वो हमारे बीच में नहीं है वो हमारे संत गुरु और महापुरुष किसी जाति और धर्म के खिलाफ नहीं वो हमारे संत गुरु और महापुरुष इस देश में जो गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था बनी है उसको बदल कर वो समकामिता समान व्यवस्था बनाना चाहते हैं आज उन्हीं के ही बताए गए रास्ते पर चलकर बहुजन समाज पार्टी इस कार्य में लगी पूरे देश में हम लोग समतामूलक समाज बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए हमारी पार्टी कोई एक जाति विशेष की नहीं है एक धर्म विशेष की नहीं है बल्कि सर्व समाज की पार्टी ये सर्व समाज की पार्टी है तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जिन्होंने ऐसे जो संत गुरु और महापुरुष हुए जिन्होंने इस देश के समतामूलक समाज व्यवस्था बनाने की कोशिश की तो मेरी चार नई सरकारों में मैंने अपनी चारों बार के नई सरकारों में उनके आदर सम्मान में तो दिल्ली के नजदीक नोएडा में और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो जो जरूरी थे वो हमने स्मारक संग्रहालय पार्क में मुख्य आदि स्थापित किए आप लोगों को मालूम है और जो हमें काम करना था हमने अपने पिछले चारों नई सरकारों में पूरा कर दिया उनके मान सम्मान में अब हमें कोई नया फिर से हमें कोई नया स्मारक या पार्क या उनकी मूर्तियां आदि फिर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जितना उन्होंने मुझे काम करना था मैंने ठोक के भाग कर दिया कई दिन आपको जब आगे सरकार बनेगी केवल उनके गठन का अपना ध्यान रखा जाएगा कहने का तात्पर्य यह है कि अब आगे पांचवी बार
जब डीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो मेरी पूरी ताकत अब ये स्मारक संग्रहालय मूर्ति या पार्क आदि बनाने पर नहीं लगेगी, बल्कि मेरी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है वो तो बदलने की लगेगी। Yeah.